अजय देवगन ने धमाल मचा दिया। वहीं बीते साल वो बादशाहों में नजर आए, फिर गोलमाल अगेन में कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आए। साथ ही वो बैटल ऑफ सारागढ़ी में एक्टिंग के साथ साथ फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। इन दिनों वो मल्टी स्टारर फिल्म टोटल धमाल की शूटिंग भी कर रहे हैं, जिनमें उनके साथ माधुरी भी नजर आएंगी। और हाल ही में उन्होंने बोनी कपूर के साथ भी एक फिल्म की डील फाइनल की है। और देखिए, अब खबर है कि अजय देवगन एक बार फिर से एक दमदार बायोपिक में नजर आएंगे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वो जल्द ही शेर सिंह राणा का रोल प्ले करेंगे। सोर्सेज की माने तो अजय देवगन शेर सिंह राणा की लाइफ पर बनने वाली फिल्म में रोल कर सकते हैं। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा वही शख्स है जो अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लेकर आए थे। साथ ही शेर सिंह राणा पर डकैत और सांसद फूलन देवी की हत्या का भी आरोप है। एक इंग्लिश वेबसाइट के मुताबिक अब शेर सिंह राणा पर फिल्म बनाई जा रही है और इसकी तैयारी भी की जा रही है। शेर सिंह राणा फूलन देवी की हत्या के आरोप 2001 में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। लगभग 3 साल बाद जेल में गुजारने के बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार हो गया। लेकिन 17 मई 2006 को राणा को एक बार फिर से कोलकाता के एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बताया कि वो इसलिए जेल से भागे ताकि अफगानिस्तान के गजनी इलाके में हिंदी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वो भारत ला सके। 2005 में उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया था। 2014 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने फूलन देवी हत्याकांड के दोषी शेर सिंह राणा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि ये फिल्म कब तक बनेगी और कौन बनाएगा इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि भारी भरकम बजट में ये बायोपिक बनाई जाएगी। हालांकि अभी अजय देवगन ने इस फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भरी है, लेकिन उन्हें कहानी पसंद आई है। लेकिन अगर शेर सिंह राणा के दमदार कैरेक्टर की बात करेंगे तो अजय देवगन इस रोल में बिल्कुल फिट बैठेंगे, क्योंकि वो विलन टाइप के रोल पहले भी कर चुके हैं। अब देखना ये है कि अजय कब तक इस रोल के लिए हामी भरते हैं, और अगर वो इस फिल्म को रिजेक्ट कर देते हैं तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा सितारा होगा जिस रोल को फिल्मी पर्दे पर उतारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।